हमरा गाम में तो विकास एहन भेलो है ना जे विकास रहे जे धोती पिन्हे रहे सरकार के राज रहो तब एक एतेक तोड़े नहीं पड़े रहे जंगल राज हो हमरा का भैंस चरे रहे कुछ मिले रहे खाइए कहे पाँच हजार रुपया लिया तो गोर पहले ही नहीं होता था नहीं पहले सही में जेल जाता सही था। में भेजवा दिया जाता था उसको। यदि ऐसा होता तब तो लालू यादव रुपया देके अभी छूट गए रहते ना। लालू यादव की जेल किया गेले लालू यादव को। जी गड़बड़ा गेले की पूछे छौ बोलो की विकास भेलै तोहर गाम में। हमरा गाम में तो विकास एहन भेलो है ना जे विकास रहे जे धोती पिन्ह रहे से तो लुंगी पिन्ह पड़े छे जे धोती पिन्ह रहे ओकरा लुंगी मुश्किल भए गेले है जे गमछी हे ई छ ने ते गमछी के आधा पैसा ओने देबे कि गमछी में देबे महंगा भए गेले मुश्किल भए गेले यो बुझलनी तो पढ़ल लिखल छे तो नीचे कहै छै हमरा आर के तो भाई पढ़ल लिखल नहीं लोग छ एतना भेलो सुनो मटिया के तेल जलबे लाइन दे दल कखनो गेल गेले अन्हार में मटिया तेल देवे नहीं करते जलते डीजल पेट्रोल जतेक भी कीमती वस्तु छोकर देहन का हानि दिलक तेसार के कते गाड़ी सड़े घर में गाड़ी लेलक चढ़ब लेकिन पेट्रोल के दाम जते भले जो मिलबे न करे तोरा घर में कते गाड़ी छ हमरा गाड़ी का औकात छे से घर में कोटा गाड़ी नहीं छ नहीं बेटा सब ने लेलक बेटा सब लेलक हमें चढ़े छे बेटा चढ़े छ न चढ़े छे त तेल त छे 150 रुपए लीटर चढ़ते कते कल त बाबा पैसा दे कते देबे। अच्छा कते जा रे बाबा ई की छे ई हाथ में या छे ई हाथ में की छ ई खरुच के छ ने टुकड़ी कर जब लालू सरकार के राज रहो तब एक एतेक तोड़े नहीं पड़े रहे जंगल राज हो हमरा का भैंस चरे रहे कुछ मिले रहे खा रही बम खा रही जंगल राज बुलंद सरी रह हे बुलंद आ ई जे भेलो 15 साल लग ई भए गेलो घुसखोरी सरकार घुसखोरी भए गेलो बाप रे टका कमा भगो ओकरा धो एक टा कवाला यदि दे धो ओकरा दाखिल खारी में का रहो दाखिल खारी में एक कवाला यदि भेजते हैं यहाँ क्या बोलता है क्या बोलता है 1000 रुपया हो गया तहरीर 400 रुपया सूद अजी मलगुजारी 400 जहाँ सूद मलगुजारी है वहाँ हम लोग 1000 रुपया देते हैं एक ठो खारिज करने में 2000 हमको समझ नहीं है हम भूल गए हैं। अच्छा अच्छा 2000 बताइए गृहस्थ का क्या उन्नति है गृहस्थ कैसे बचेगा जिस धान में फसल उपजा करके हम लोग देते हैं मकई का दाम क्या है 700 क्विंटल अब बीज आया तो उसका दाम है 500 किलो 1 किलो का दाम 1 किलो का 500 रुपया 500 रुपया खाद 1 बोरा का 1200 रुपया 1300 हम कमे का कहे उतना हम लोग का मकई का दाम उगाते हैं मेहनत करते हैं पानी देते हैं कुदाली चलाते हैं उसका दाम 700 रुपया नीतीश सरकार के होते हुए में हुआ लालू सरकार में कभी नहीं हुआ था ऐसा कि पहले कम था 150 रुपया यूरिया 500 रुपया क्या कहते हैं DAP और जब ये जंगल राज हट गया घुसखोरी राज आया तो सीधे 1500 रुपया आप मानते हैं सही में जंगल राज था लालू का राज था जंगल नहीं लेकिन आप ही अभी बोले कि जंगल राज नीतीश सरकार का ऐसा भाषा था। अच्छा नीतीश सरकार का बात बोला ऐसा भाषा था और वह क्या कहते मोदी का ऐसा भाषा था कि ये माने जंगल राज है बिहार जंगल राज अभी अब की बार ये 15 साल से घुसखोरी राज बन गया है घुसखोरी कहीं पुलिस को कोई मार करके जाता है तो पुलिस क्या करता है वो क्या
5000 रुपया लिया था। भाग भाग भागो रे, पहले ही नहीं होता था? नहीं, पहले सही में जेल जाता था, सही में भेजवा दिया जाता था उसको। यदि ऐसा होता तब तो लालू यादव रुपया देके अभी छूट गए रहते ना। लालू यादव की जेल किया गया, लालू यादव को सब लग गया है, इसको अंदर में रहना, जो ही निकलेगा तो हम लोगों का कुछ चलेगा नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए लालू को बंद किए हुए हैं कि लालू यदि निकल जाएगा तो हम लोगों का कुछ चलने वाला नहीं होगा। लालू तो अब कुछ दिन में छूट के आ रहे हैं, छूट आ रहे हैं तो किसी का चलने नहीं देगा वो, किसी का चलने नहीं देगा। क्या सही में फिर हम लोगों का ये दुर्गति नहीं होगा? ये युवा पढ़ा लिखा करके सबको सबको रोजगार मिलेगा, तेजस्वी सरकार में सबको रोजगार मिलेगा। आशा है कि 15 साल में वो नहीं किया, अब तेजस्वी यदि कह रहा है तो लगता है कि हो सकता है। ये भी ठोकर खा रहा है कि नीतीश सरकार में यदि नहीं हुआ तो हम लोगों को बुला दिया, तो तेजस्वी सोचेगा कि नीतीश को बुला दिया हमको भी बुलाएगा, इसलिए हम करेंगे। हम लोगों को विश्वास है कि अवश्य करेंगे, अवश्य होगा काम। हाँ होगा, ये सड़क देखते हैं 15 साल के अंदर में टूट फूट करके, कहीं हम लोग पैदल नहीं चले, हम बूढ़ा हो गए, हम लोग साइकिल चलाने के लिए। कितना उम्र हो रहा है बाबा आपका? हमारा 72 बरस। 72 बरस हो रहा है? हाँ, अभी पैदले जाते हैं, पैदले क्या करेंगे, लाठी लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। लाठी है हमारा सहारा, रोड पर कहीं ठोकर लग जाए चाम टूट जाते हैं पैर का। पैर का तो जूता कहाँ ने पहनते हैं? जूता कहाँ से पैसा लाएंगे? जूता पैसा नहीं है। ऐसा सरकार हुआ कि लूट लाट कर मकई उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, धान का दाम अभी 1000 रुपया क्विंटल है, और खर्चा है कितना उसमें, मेहनत है कितना, पेड़ दिया हम लोग देखो पूंजी उसमें लगा दिए। मतलब किसान के लिए इस सरकार में कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं किसान के लिए है। कहा वृद्धा पेंशन को 1000 करेंगे, हम लोगों को आशा हो गया कि अब 1000 आएगा तो बैठ करके खाएंगे। हाँ। लेकिन 200 रुपया वो भी 6 महीना पर आया नहीं, आया चला गया कहीं। आपका आता है रेगुलर? काहे आएगा रेगुलर, हमारा आता तो हम इतना बोलते उनका विरोध नहीं करते, आता तो विरोध नहीं। हम झूठ बोलने वाले, हम वृद्ध हो गए हैं, हम लोगों को कष्ट नहीं होता तो उनका उनके लिए हम लोग लड़ते। ये सरकार तो बहुत कुछ किया, इंजल कहा है, आप लोग बोल रहे हैं बाबा अच्छा इतना चीज तो भले, कुछ हो अच्छा काम किया है नीतीश कुमार? कुछ हो एको अच्छा काम नजर में तो नहीं आता है, कुछ हो नजर में नहीं इधर देख रहे हैं तो नजर में आता है। जो कुछ किया थोड़ा बहुत किया होगा, नल के बदला कोले देती तो बढ़िया। ये जो है, ये है टंकी, कहा 3 करोड़ का है। अच्छा अच्छा, 3 करोड़ का, हम लोग उसे कह दे आप लोग कहाँ खोदवाते हैं, उसमें हम लोग कहे थे मत खोदवाओ 3 करोड़ का पाइप, एक एक ठो क्या कहते हैं मशीन दे दो सबके यहाँ दे दो, एक एक चापाकल चापाकल। अच्छा, एक पंचायत में 9 करोड़ जो आप लगा रहे हैं टोटल घर में हो जाएगा, और क्या कहते हैं मशीन भी हो जाएगा, मोटर भी हो जाएगा, आसान से लोग पानी पिएगा। देखिए ना, 3 करोड़ पैसा देकर के पानी कभी नहीं पीते हैं, जब आया कभी इस टेस्ट करने के लिए, इस बीच में पानी पीला थोड़ा थोड़ा पानी, कोने अच्छे हो क्या खराब है ले जा थोड़ा पानी, 2 घंटा में बाल्टी भरने वाला नहीं है। बताइए कि ये रुपया 3 करोड़ का है, बीच में बेच दिया, मतलब फालतू में रुपया गया है, फालतू में रुपया बुरा गया है, जो किया फालतू में गया। आपने इस बाबा की बात को सुना, इन बाबों का बाबा का गुस्सा जायज था, इनका कहना था कि यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है, लालू का राज था, लालू के राज में हर चीज सस्ता था, नीतीश का राज आया हर चीज महंगा हो गया है। बाबा का कहना था ये जूता नहीं पहने हैं, मैंने पूछा क्यों नहीं पहने, तो इनका कहना था कि इनके पास उतना आमदनी नहीं है, क्योंकि ये किसान घर से आते हैं और किसान को इतना पेड़ा गया है, इनके भाषा में अगर कहूँ तो पेड़ा जाना मतलब इतना कम आमदनी होता है उनको कि ये एक जूता तक नहीं ले सकते हैं। मैं हूँ रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM News। धन्यवाद।